नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्पोकन में आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को इंग्लिश में बोलने लगेंगे दोस्तों, जैसे कि क्या आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हो, वे लोग डांस करने में अच्छे हैं, क्या हम लोग सफाई करने में अच्छे हैं, क्या वो गणित में अच्छा है, वे अच्छे हैं, क्या वे लोग पढ़ाई में अच्छे हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इंग्लिश में कवर करेंगे। तो चलिए डे टू का शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डे टू को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे दोस्तों, जैसे कि हर एक आदमी हर काम को अच्छे से बारीकी से करने में अच्छे होते हैं, जैसे कि तो ऐसे काम जो करने में अच्छा हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस गुड एट और वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स क्या, आई यू वी दे ही सी और नेम। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैं डांस करने में अच्छा हूँ तो बोलेंगे आई एम गुड एट डांसिंग, यानी कि कोई भी वर्ब का यूज़ करेंगे उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो मैं डांस करने में अच्छा हूँ तो बोलेंगे आई एम गुड एट डांसिंग, इसका हम लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप कंप्यूटर चलाने में अच्छे हो तो बोलेंगे यू आर गुड एट यूजिंग कंप्यूटर, यू आर गुड एट यूजिंग कंप्यूटर, इसका नेगेटिव भी बोल सकते हैं यू आर नॉट गुड एट यूजिंग कंप्यूटर। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे करें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को हम लिखे हैं, आर यू गुड एट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आर यू गुड एट बोलेंगे और वर्ब का पहला फॉर्म लगा देंगे, कोई भी वर्ब आप जितना भी वर्ब जानते हैं वर्ब का पहला फॉर्म लाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। इसका आंसर दो हो सकता है, आप जब यस में बोलोगे तो इसका आंसर देंगे आई एम गुड एट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और नो में जब जवाब देंगे आई एम नॉट गुड एट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नो आई एम नॉट गुड एट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन से, क्या आप पढ़ाई करने में अच्छे हो, क्या आप पढ़ाई करने में अच्छे हो, तो बोलेंगे आर यू गुड एट स्टडिंग, आर यू गुड एट स्टडिंग, आपके पास दो आंसर होगा। अगर आप पढ़ाई करने में अच्छे हो तो बोलेंगे यस आई एम गुड एट स्टडिंग, आप पढ़ाई करने में अच्छे नहीं हो तो बोलेंगे नो आई एम नॉट गुड एट स्टडिंग। ऐसे क्वेश्चन आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि क्या आप हिंदी लिखने में अच्छे हो, आर यू गुड एट राइटिंग हिंदी, तो इसका आंसर दो में हो सकते हैं, जैसे कि मैं लिखने में अच्छा हूँ तो बोलेंगे आई एम गुड एट राइटिंग, मैं लिखने में अच्छा नहीं हूँ तो बोलेंगे आई एम नॉट गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या आप गणित में अच्छे हो, आर यू गुड एट मैथ, अगर आप मैथ में अच्छे हो तो बोलेंगे यस आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ तो बोलेंगे नो आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या आप डांस करने में अच्छे हो तो बोलेंगे आर यू गुड एट डांसिंग, चलिए बताइए आर यू गुड एट डांसिंग, क्या आप डांस करने में अच्छे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं डांस करने में अच्छा हूँ तो बोलेंगे आई एम गुड एट डांसिंग, मैं डांस करने में अच्छा नहीं हूँ तो बोलेंगे नो आई एम नॉट गुड एट डांसिंग। तो इस तरह के दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप किसी अपने दोस्त को भी पूछ सकते हैं। ड्राइंग में अच्छे हैं, बहुत कोई ड्राइंग में अच्छे हैं तो बोलेंगे बहुत कोई ड्राइंग अच्छे होते हैं तो बोलेंगे वी आर गुड एट ड्राइंग, वी आर गुड एट ड्राइंग। कोई बहुत कोई जैसे कि बोलेंगे हम लोग ड्राइंग में अच्छे नहीं है तो बोलेंगे वी आर नॉट गुड एट ड्राइंग। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से बोलेंगे क्या हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे हैं, तो इंग्लिश में पूछेंगे आर वी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे हैं, आर वी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यस वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वे लोग सफाई करने में अच्छे हैं, हम लोग इस वीडियो में पूरा सब्जेक्ट को फॉलो किए हैं आई यू वी ही सी और नेम। तो चलिए दोस्तों वे लोग को देखते हैं, वे लोग सफाई करने में अच्छे हैं तो बोलेंगे दे आर गुड एट क्लीनिंग, दे आर गुड एट क्लीनिंग, बोलेंगे नहीं नहीं वे लोग अच्छे नहीं है सफाई करने में अच्छे नहीं है तो बोलेंगे नो, बोलेंगे नो दे आर नॉट गुड एट क्लीनिंग। वे लोग को क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे तो बोलेंगे क्या वे लोग शिकायत करने में अच्छे हैं तो बोलेंगे आर दे, क्या बोलेंगे आर दे गुड एट कंप्लेनिंग, आर दे गुड एट कंप्लेनिंग, यस दे आर गुड एट कंप्लेनिंग, नहीं 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 वे लोग शिकायत करने में अच्छे नहीं है, नो दे आर नॉट गुड एट कंप्लेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो उपदेश देने में अच्छे हैं तो बोलेंगे ही इज गुड एट एडवाइजिंग, ही इज गुड एट एडवाइजिंग, वो दोस्त देने में अच्छे नहीं, नो ही इज नॉट गुड एट एडवाइजिंग। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्या वो धोखा देने में अच्छे हैं तो बोलेंगे इज ही गुड एट डिसीविंग, इज ही गुड एट डिसीविंग, यस ही इज गुड एट डिसीविंग, नहीं वो धोखा देने में अच्छा नहीं तो नो ही इज नॉट गुड एट डिसीविंग। तो वीडियो में आप क्वेश्चन पूछने तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका आंसर देने भी सीख रहे हैं यस और नो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो निर्णय लेने में अच्छी है तो बोलेंगे सी इज गुड एट डिसाइडिंग, वो निर्णय लेने में अच्छी नहीं है तो बोलेंगे नो ही इज नॉट गुड एट डिसाइडिंग,
इसके हम लोग क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे दोस्तों उसी से, जैसे क्या वो पौधे लगाने में अच्छी है, इज ही गुड एट प्लांटिंग, पौधे लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटिंग, क्या वो पौधे लगाने में अच्छी है, तो बोले इज ही गुड एट प्लांटिंग, यस सी इज गुड एट प्लांटिंग, नो वो पौधे लगाने में अच्छी नहीं है, नो सी इज नॉट गुड एट प्लांटिंग। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए जिसमें हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।